जाने से
से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस बेशुमार हम्द व सना है और उसे प्यारे हबीब ताजदार मदीना सरवर कलब सीना रहमतुल्लाह अलैहिं शफीउल मुद्दिनीन जात व बरकात देवास से लादादाद बेशुमार हम्द व सलाम करताना आमीन। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस माह मुबारक दा ताल्लुक निस्बत सरकार गौस पाक दे नाल है। अल्लाह अकबर। प्यारे महबूब नबी पास दे गुलाम उन्होंने विशाल इस माह मुबारक की 11 तारीख को होया है। इस मुनासबत के नाल अलहमदुल्ला दो तीन आयता जेन में आईया जी अर्ज कीतियां ने। रब्बी कायनात ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल ने। अलहमदुल्ला आदम अलैहिस्सलाम तो लै करके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर अजमता वाले शाना वाले रुफत अरिफता वाले अजमता वाले नबी आए ने, उन्होंने भी कलमा सुनता तो साढ़े महबूब का भी कलमा सुन। किसी ने खलीलुल्लाह, किसी ने नजीउल्लाह, किसी ने मसीउल्लाह, किसी ने नबीउल्लाह। अगर मेरे महबूब की वारी आई तो मेरे करीब ने फरमाया महबूबा फरमा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। तू आखी जा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करागा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तू आखी जा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आखागा मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मेरे महबूब की सुनत है और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना मेरे रब की सुनत है। मेरे करीम ने फरमाया सुनिया महबूबा, पहला तेरी सुनत अदा करे फिर मेरी सुनत अदा कर। ये पहले जुबान जिक्र से पाक होने, पहले जुबान जिक्र से पाक होने तो फिर नाम ले ये हबीब खुदा का, तो फिर नाम ले ये हबीब खुदा का। पहले मेरा महबूबा तेरे गुलामा की जुबान मेरे जिक्र नाल पाक होगी और फै मैं तेरा नाम लैन देवांगा। हजार बार शोयम धन में मुश्को गुलाम हनूज नाम है तो गुफ्तर का मैले बेअदबी। फरमाते ने हजार मेरी गुलाम के अर्क नाल मुंह धो लवे उरलियां कर लवे तो फिर सोने का नाम लवे ता भी बेअदबी। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दा वलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। मेरे महबूबा तेरे गुलामां दी निशानियां काफरां दे बड़े सख्त ने, काफरां दे बड़े सख्त ने, ईमान वालों ते बड़े नरम दिल ने। तेरे महबूब सैयद आलम रहमतुल्लाह अलैहिं शफीउल गुलामां दी ये निशानी है कि काफरां दे बड़े सख्त ने और ईमान वालों दे वास्ते रेशम दी तरह ने। तराहुम रुकआन सुजदे यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और तुसीं उन्हां नूं वेखोगे कदी उह सजदे विच रोंदे होणगे, कदी उह रुकू विच रोंदे होणगे और रब्बे कायनात दा फ़ज़ल तलाश करदे होणगे। रब दी रज़ा दे वास्ते उन्हां दी कोशिश होवेगी। और दूसरी निशानी की फरमाई अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन वक़ऊदन वअला जुनूबिहिम। मेरे बंदियां दी निशानी है और रब का जिक्र करते हैं, खड़े भी रब का जिक्र करते हैं, बैठे भी रब का जिक्र करते हैं, लेटे भी रब का जिक्र करते हैं।
करते हैं, गोया कि हर वक्त उन्होंने जबान उत्ते जिक्र खुदा जारी रहता है। अल्लाह वाले की निशानी हर वक्त खुदा के जिक्र मशगूल रहना। मेरे आकर गुलाम तीसरी आयत मुबारक जो दिन में आई, मेरा कबीर करीम कबूल फरमाए सदका सोने महबूब दिया जुल्फा दा, अल्लाह करीम मैनु हक अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। हां हां खबरदार, जेडे मेरे दोस्त ने उन्होंने कोई खौफ से कोई गम नहीं। कोई खौफ से कोई गम नहीं होगा। मेरे मोहतरमा सब दोस्तों, असी गौर फिक्र करिए, दुनिया की सारी मखलूक से खौफ गम तारी है। दरख्त सानू बड़े हरे भरे सोहने लगते हैं, पर खौफ तारी है कोई आले वाला ना होवे। पहाड़ बड़ी ताकत वाले ने, मगर खौफ तारी है कोई संग तराश ना आ जाए। फसल हरिया भरिया लहरा ने, पर खौफ तारी है तो दाती में नाल फिरन वाला ना आ जाए। जानवर बड़िया ताकत वाले ने, मगर खौफ तारी है कोई छुरी वाला ना आ जाए। बदल दुनिया को बारिश बरसाने वाले ने, पर खौफ तारी है कि हवा के झोले सन परेशान ना कर दे। शेर बड़ी ताकत वाला है, पर खौफ तारी है कोई शिकारी ना आ जाए, कोई गोली मारने वाला ना आ जाए। अल्लाह अकबर, सारी कायनात के अंदर अमीरों को देख लो बड़ी दौलत है, पर कंबी जाते ने, कोई गोली रखने वाला ना आ जाए, कोई टैक्स लैन वाला ना आ जाए। इसी तरह सारी कौम के उत्ते हर मखलूक के उत्ते खौफ तारी है, मगर एक रब की महबूब जमात है जिन्हों के वास्ते मेरे तेरे करीम ने इलाज फरमाया ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने कोई खौफ से कोई गम नहीं, ना उन्होंने आने वाले वक्त का खौफ है और ना उन्होंने गुजरी हुई जिंदगी का खौफ होगा। बल्कि मैं ऐलान करांगा नहनु औलिया खौफ तारी है, मगर एक जमात अल्लाह के बलिया की है जिन कोई खौफ से कोई गम नहीं।
मैं कितना खौफ से गम हो गया। क्यों? हारून रशीद बादशाह के जमाने में बहलोल रज़ी अल्लाह तआला वली अल्लाह ने दरवेश सन जंगल में बैठे ने। बादशाह आखन लगा, हजूर तुम सर्दी नहीं लगती? गर्मी में तुम इदा बैठे रहते हो, सर्दी में भी इदा बैठे रहते हो, ना कोई खाने का फिक्र, ना कोई पहनने का फिक्र, ना किसी जाने का फिक्र, ना किसी काम का फिक्र। आपने फरमाया, बादशाह मैनू खौफ के गम क्यों हो गए? और सूरज मेरी मर्जी ना चढ़ता है, रात मेरी मर्जी ना आती है, दिन मेरी मर्जी ना चढ़ता है, हवा मेरी मर्जी ना चलती है, फिदावा मेरिया सारे तब्दीलियां मेरी मर्जी ना होती ने, मैनू खौफ गम क्यों हो? अकल का हजूर मैनू समझ नहीं लगी थोड़ी गल, ये तो बड़े वे कलमे कह दते। आपने फरमाया, बादशाह मैं बड़े करीब ना वादा कर छड़िया है, मौला मेरी खुशी भी तेरी है, मेरी गमी भी तेरी है, मेरा जीना भी तेरे वास्ते, मेरा मरना भी तेरे वास्ते, जो तो मैं अपनी मर्जी नो फना कर छड़िया, मैं तो है ही नहीं हूं, मैं तो है ही नहीं हूं, मेरी ख्वाहिश है ही कोई नहीं, मेरी मर्जी है ही कोई नहीं, उस करीब की मर्जी नाल क्या खूब मनक्ष मंदर कशी की थी। कचरा दरिया कतरा कतरा होता है, ना किसी की प्यार बुझा सकता है, ना किसी खुशी दरख्त को हरा कर सकता है, पर मारिया मारिया अगर समुद्र की तह में चला जाए, समुद्र में अपने आप को फना कर दे, फिर वो आखेगा खबरदार मैं कतरा समझेंगे मेरे करीब ना भी, हूँ मैं दरिया दखा बन गया, हूँ मैं समुद्र का एक हिस्सा बन गया। खुदा चाहते कि कतरा कतरा ही होता है, कतरा कतरा होता है, पर याद रखो तसव्वुर दे विच आके सोचो कतरा है कि है तो दरिया का कतरा, कतरा है तो दरिया का कतरा, बेशक कतरा है, असलियत में जो के दरिया का कतरा है ना, इसे वास्ते सियाणे फरमांदे ने कि कतरे तो दरिया का सबूत मिलता है, जिस तो कुल का सबूत मिलता है, जिस तो कुल का सबूत मिलता है, फ्रू तो असल का सबूत मिलता है, और पत्ते तो दरख्त का सबूत मिलता है, शिगर तो उस्ताद का सबूत मिलता है, शिगर तो उस्ताद नजर आता है, मुरीद तो पीर नजर आता है, वह अक्स हों, और जिम्मे एक दरख्त के पत्ते वेख के तेरे सफर में आ जाएगा कि यह दरख्त, यह दरख्त का पत्रा है, वोदिया जड़ा भी तेरे सामने आ जाएंगे, वे पत्ते भी शाखा होगा सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा, तेन पता लगेगा कि यह है तो कतरा, पर सारा दरख्त नजर आना। फिर मैं क्यों आखा, क्यों ना आखा, मेरे महबूब करीम सैयद आलम रहमतुल्लाह अलैह शफील मदनबीन के कोल गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े माँ बाप कुर्बान हो जाए, सुनिया अल्लाह वाले की निशानी की है, अल्लाह के वलिया की निशानी की है, अल्लाह के दोस्तों की निशानी की है। मेरे महबूब करीम ने फरमाया, जिन्हों वेख्या तेन खुदा याद आ जाए, जिन्हों वेख्या तेन खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का वली है, अल्लाह अल्लाह क्योंकि फरू तो असद का सबूत मिलता है, कचरे तो दरिया का सबूत मिलता है, कचरा है तो बेशक कचरा, पर है तो समुद्र का हिस्सा ना। खुदा की कसम, सानू अपने मकसद से नाज करना चाहिए है, असी उस मदनी महबूब के गुलाम, उस महबूब का कलमा पढ़िया है, बेशक असी कचरे की मिसाल हाँ, पर हाँ तो गुलाम आका देना, हाँ जी असी आका दे गुलाम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। प्यारे आका सैयद आलम रहमत लालमीन शफील मदनबीन दे गुलाम की शान, मेरे महबूब करीम ने फरमाया, मेरे गुलामों में कुछ ऐसे भी होंगे जेडे खस्ता हाल हो गए, सिर दे विच मिट्टी हो गई, बड़े पुराने कपड़े होंगे, कोई दर्द नहीं आन देगा, धक्के पेंदे होंगे हर पास्यों, मगर रब दे करीब उन्होंने यह मुकाम होगा, अगर कसम खा लेंगे यार लाया काम इस तरह ही कर दे, मेरा रब अपने कानून बदल देगा, उन्होंने जबान झूठी नहीं होगी।
ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਦੀਆ ਹੈ ਗਮੀ ਭੇਜੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਦੀਆ ਹੈ ਐ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਖਿਲਾਫੇ ਤੋਂ ਬੱਕੋ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ शकी लिखा हुआ बदबख्त लिखा हुआ पता नहीं वजह की कुर्सी लिया बच्चे सन खुदा करे शिगर भी वजह मिले शिगरदा ने अपने दे गल च हाथ पा लिया आख लगे बाजी उस्ताद साडा होवे साडा उस्ताद होवे ते जावे दोस्त विच असी तैनू बर्दाश्त नहीं कर सकते साडी मेहनत कर रहे तैनू पुराने पाक पढ़ा रहे दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सही बना दे उन्होंने खुशबख्त बना दे मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂ ਕੀਤਾ ਸਜਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਚੱਲੀ निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें जो हो शौक और यकीन पैदा उकड़ जाती है तकदीरें अल्लाह वाले उन्हें निशान है ना पूछ खरका पोशो की इरादत हो तो देख इनको ना पूछ खरका पोशो की इरादत हो तो देख इनको यदे बीजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में यदे बीजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में देखण तेनु एवें लगदे ने देखण तेनु कमले लगदे रखदे ने वैसे नहीं रही अल्लाह ताले लोग यार करनी करनी आखदे वैसा वैसा कहंदे होंदे सन पर सोहणे दी नजर विच आ गए सन ਮਾਬੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਉਮਦਵਾਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਵੈਸ ਲੋਕੀ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁੱਬਾ ਨੂੰ ਆ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਉਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ 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 ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਰੋਕੀ ਆਜ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੁੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਕਾਮੀ ਉਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅਬੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਤਸੱਬਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦਾ ਤਸੱਬਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਵੈਸ ਕਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅਰੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਆਇਆ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਆਖਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਕਹਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਜਹਾਨਾ ਖਾ ਜਾਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ
ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ ਸੱਚਿਆ ਕਦ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਸੱਚਿਆ ਕਦ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਸੱਚਿਆ ਕਦ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ मेरी आकर फरमाते बस तेन मुबारक होवे तेरे महबूब ने आखे मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर ते नाले जुबा फरमाया है कि जुबा पहन ले महबूब ने अपना कुर्ता भेजा कि तू पहन ले और उम्मत वास्ते बख्शिश की दुआ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वजह तारी हो गया मेरे यार ने मैंने याद किया महबूब की नजरे कीमिया में जरा आ जाए खुदा की कसम मुहब्बत महबूब का राज ही है मुहब्ब न महबूब सारी उम्र तड़पता रहे मुहब्ब महबूब एक नजर उठा के वेख लें तो सारी उम्र की कीमत मिल गई सारी उम्र की कीमत मिल गई ਅਵੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰੋਣ ਯਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਅਵੈਸ ਇਹਦੀ ਅੰਤਮਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋੜੀ अवैस तेरे जानवरों के वालों के बराबर मैं उम्र तेरी उम्र की बख्श तेरे महबूब की उम्र की बख्श मारी थी मौला बहुत थोड़ी मेरे आकर पहले गुलाम बहुत देर हो गई पीछे चले गए अल्लाह करीम ने वादा फरमा लिया बली कलम दिया भेड़ा के जिन्ने वाल ना अवैस मैं उन्हें गुनाह घर बख्श देवगा सिर सिर उठा ले मेरे आकर गुलाम पीछे चले गए मेरे जहन में फिर एक ख्याल आ गया कि मुकमा कुबा किबला काबा मुख महबूबा किबला जिस वक्त तू अपनी जिंदगी अपने यार दे नाल लगा दी खुदा दी कसम ओदी जिम्मेदारी हो गई तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्योंकि तू वादा कर लिया मौला मेरी कुछ मेरी गमी मेरा सब कुछ तेरे सुपुर्द है इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन तो खालिक कायनात अपने बंदे दे वास्ते अपनी रहमत दे दरवाजे खोल सकता है सरकार बस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पूरी जिंदगी रब की रजा के वास्ते होती है बचपन में इलम हासिल किया मादरजात वली होने के बावजूद पुराने पाक के हाफिज सन और ऐसे मुजद्दद सन और ऐसे इलम वाले सन उस जमाने में आपके पाया का कोई आलम नहीं उस जमाने में कोई आपके पाया का आलम नहीं आपके इलम की एक गल निकी जी देर में आई है वक्त के बादशाह ने कसम खा ली कि मैं यही इबादत करा जी कोई भी इबादत ना कर सकता हो अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकता मेरी बीवी को तीन तलाक
गल मूह निकल गई पता नहीं किन्ने मैं कहना बली की शानदार होनी सी गल निकल गई मूह बाद में फिक्र होया कि इबादत कितने कोई जिक्र करता है कि कुरान पढ़ता है कोई तलावत करता है कि सुबह अदान होती है कि जोर की अदान होती है कि असर की अदान होती है जगराफी के मुताबिक देख लो हर वक्त मेरे रब का जिक्र जा रही है सारी हर वक्त कितने असर की पढ़ी जा रही है कितने मगरब की पढ़ी जा रही है हर वक्त की इबादत खुदा दी हो रही है और जर्रा जर्रा खुदा की इबादत कर रहे हो ये सब सुभानअल्लाह मैं एक ही घर बैठा हूँ बड़ा और माँ कराम को पूछा किसी ने फतवा ना दिता कि कसम नहीं पई अखीर आपके को आपने बगैर सोचे समझे बगैर किताबा तलावत मुतालिया कर लिया आपने फरमाया बैतुल्ला पाक का हरम सारी खाला सारा खाली कर दिता जाए कोई पैसे कौन कर लो आपने फरमाया बादशाह जी का हक है उन्होंने जाके दे लोगों का खून चूस के तो मेरे को लैके आ गया मैं कोल नहीं मैं नहीं लेता नहीं जी मैं तो देख जावा आपने फरमाया ना यार लै जा जे दे जाके जिन्हों का हक है आखन लगा नहीं जी मैं तो लेके जावा आपने एक थैली इधर पकड़नी है इधर पकड़नी और जिस वक्त नचोड़ी फरमाया देता खून दे कतरे कर रहे थे अपने फरमाया मैं तेरा एहतराम मद्दे नजर ना आता महबूब की निस्बत मद्दे नजर ना आती तो मैं खून तेरे महला तक पहुंचा दूंगा और लोगों का खून चूस के मैनू खिला रहे लोगों का खून चूस के मैनू दे रहे जिन्हों का हक है उन्होंने जाके दी कदमी लग गया सच्ची तौबा कर ली अल्लाह उपर अल्लाह सरकार बहुत फकर दी अल्लाह ताला को वाद फरमा रहे ते गल ये अर्थ करनी सी बाबा जी फरमाते ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के इल्म बाज जा करे फकीरी इल्म बाज जो करे फकीरी ते जाहिल मरे दीवाना सावरिया भी करे इबादत रहे अल्लाह वालों बिगाना आलम हुंदा है अल्लाह का दोस्त आलम हुंदा है इलम तो बगैर बली नहीं बनता सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद इसके कि मादर जात वली ने हाँ मेरा खाल की कायनात बाद ऐसे वली गुजरे ने जिन्होंने इलम नकुनी अता फरमा दिता है जैसा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह किसी के गोडे नहीं देखे मगर इलम कमाल अल्लाह खाल की कायनात ये करम नवाजी है मगर इलम जरूरी है साढ़े ये खराबियां ने असी जिन मान लीए मन की आ गए तो मान लीए कोई मना तरह कल पाई फिरता हो सब मई हो जी दरवेश जा रहे नहीं कुराने पाक ने महबूब के फरमान ने ऐसे बली नहीं आख्या हाँ एक एक है जवाब जिन्होंने मजलूब आख्या जाता है यानी जाद होने वाले रब की मुहब्बत फना होने वाले रब की मुहब्बत फना होने वाले अपनी अकलों रब की मुहब्बत खोल वाले दीवाने हो जाते हैं उन्होंने मजलूब आख्या जाता है मगर याद रखो उन्होंने पहचान की है अल्लाह ताला रसूल की जो गल आ गई मुखालिफ नहीं गल उन्होंने पहचान ही है जो तो कश्मीर की गल होगी ना ये नहीं कह रहे नमाज कितने लिखी हुई ये नहीं कह रहे नमाज कितने लिखी हुई है ये कह ये नहीं कह रहे असं जल्दी पढ़ते हैं नहीं वो मजलूब अल्लाह की मुखालिफ अल्लाह के रसूल की मुखालिफ नहीं करते ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਵਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ अल्लाह के नबियों वेख्या गया खिज़र अलैहिस्सलाम एक दफा आप आवाज़ फरमा रहे हैं महफिल सजी हुई है जी आप उठ के भज रहे आवाज देते ने बनी इसराइल दिया वाली आ इतना मुहम्मद जी की गल सुन दे अल्लाह अल्लाह अकबर खिंच लिया था खिज़र अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि ने बनी इसराइल दिया वाली आ मुहम्मद जी की गल सुन यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ही आपकी महफिल हाजिर होते हैं सर बल्कि एक दफा आप तहज्जुद पढ़ रहे थे रात इवें गुजर जाती सी इवें रात गुजर जाती सी सजदे विच रोंदिया रोंदिया गुजर जाती सी
और आप की महफिल के अंदर
अजीब किस्म की हालत आ रही थी। जिस वक्त आवाज फरमाते सानू किसी की जरूरत नहीं सी कि सर हाल सुभान अल्लाह ऐन वार के अंदर वार फरमा रहे ने उठ के खड़े हो गए। हैती रजी अल्लाह ताला ने काम का मुरीद है उन्होंने सामने आ खड़े हो गए और फिर जिस शब्द ने अखा खोलिया मूंग आई सी जो अखा खोलिया तो उठ जो भी खड़े हो गए और तुम मैं तो मिंबर छड़ के तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो और फरमाने के सच का सी वेखे खाब खाब की वेखे हो हजूर मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा सा अरे शेर बुरा दी अल्लाह ताला ने मेरे ख्वाब में आए सा आपने फरमाया तू ख्वाब में देख रहा सा मैं जारी अखा ना देख रहा सा मेरे रब दी बहुत बड़ी कुर्बानी सन उस जमाने दे यानी मुहद्दस इमाम तूसी रहमतुल्लाह अलैह अबू अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा वली अल्लाह ने आख्या कि चल खां सरकार गौस पाक की महफिल तू भी बड़ा अपने आप को आलम समझना है चल आज चलिए उन्होंने लेके आए आप एक सामने एक कारी ने एक आयत मुबारका पढ़ी आपने उसकी तफसील बयान फरमाई दूसरी तफसील बयान फरमाई तीसरी तफसील बयान फरमाई ताकि दस तफसील बयान फरमाई जो जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दस तफसील तक तो मैंने इलम सीखा मगर सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला उस आयत मुबारक की एक आयत या 40 तफसील बयान फरमाई 40 तफसीर बयान फरमाई यानी और वो हैरान हो गए इमाम बुद्दीन अब्दुल्लाह अलैह आखन लगे मैं अपने आप को आलम समझता सा इतने तक एहसास ही कोई नहीं यानी सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आलम सन और इल्म वाले सन बहर हाल रब्बे कायनात का एहसान अजीम अपने बलियां दिते बड़ा करम बड़ी करम आ गई हदीस बाद की बात करा अरे मुसलमान क्यों सदा इस समय फरमाया बनी इसराइल का एक वली से बनी इसराइल का वली बनी इसराइल का बनी ने ये निकातर सी उसने 99 बंदे कत्ल की थे सन 99 बंदे कत्ल किए सन ते दिल च ख्याल आया पर सी हर पुता इंतहा कर छदी इने बंदे कत्ल कर छड़े किसी अल्लाह दे बंदे कोल गया जा के आखन लगा मैं तौबा दा तरीका दसो मैं ते बड़ा जालिम जब फिक्र नसीब हो जाए उन्हें आख्या इन्ना सालम एडे वे जुर्म कबीरे गुना नड़ने में बंदे कदम कर वाला है तू मेरे को आ गए अकल लगा तो बहुत मुश्किल उन्हें मिला सौ पूरे कर दिए फिर फिक्र होया कि मैं भी घर बैठा फिर किसी अल्लाह बारे के मुलाकात हुई अखन लगा जी मेरा मशरा मनना है फला इलाके अल्लाह दे वाली बैठे ने उसे जिक्र अस्कार कर दे उन्होंने को अल्लाह दे फरिश्ते रहमत वाले भी आ जाते ने ते अज़ाब वाले भी आ जाते ने अज़ाब वाले फरिश्ते आखते ने 100 बंदे दा कातल है असीं इहनूं दोज़ख विच लै के जावांगे और रहमत वाले फरिश्ते आखते हैं कि यह तौबा करने वास्ते जा रहा है असीं इसनूं जन्नत विच लैके जावांगे। मेरे सोहणे महबूब करीम ने फरमाया रब्बे कायनात फरमावेगा रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब दे गुलामो ए मेरे नूरी फरिश्ते झगड़ो ना उधरों भी जगह नाप लगो इधरों भी जगह नाप लगो जे तां उधरली गल थोड़ी है किधर जा रहा सी वलियां दे नेड़े ज्यादा हो गया सी ते जन्नत वाले रह जाण ते जे इधरली जगह ज्यादा है थोड़ी है ते फिर दोज़ख वाले ले जाण। मेरे महबूब करीम ने फरमाया रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जमीन सिमट जा ऐ जमीन सिमट जा एक गिट दा फर्क पै गया जमीन उधर वाली थोड़ी हो गई इधर वाली ज्यादा हो गई। मैं कहना खुदा की कसम मेरे रब्बे कायनात की रहमत ने जो शाह क्या फरमाया इस जन्नत में ले जाओ इस वास्ते कि मेरे बलिया ने बोल जा रहा सी खुदा की कसम मेरे दिल में इश्क पैदा हो गया मोहब्बत पैदा हो गई अगर वो चले जाता जाके गुलामी अख्तियार कर लेता तौबा करता उस तो बाद जिक्र अज़कार करता फिर उस मौत आई एक ऐसा मुकाम नसीब होना सी अजे क्या भी नहीं रस्ते में मौत आ गई है। सुभान अल्लाह।
रस्ते में मौत आ गई है ता भी जन्नत में चला गया। मेरे रबे कायनात के प्यारे प्यारियां की निस्बत के नाल जन्नती बन गया। तो खुदा की कसम है बनी इसराइल का वली सन, ओ बनी इसराइल के जाकर सन। इधर मेरे महबूब के गुलाम ने सरकार गौस पाक रजी अल्लाह तआला ने जो कदम पकड़ लवे खुशबू लैके आउंदी है। हवा एक लतीफ चीज है। इसी तरह जे अल्लाह के प्यारियां दे नाल निस्बत हो जाए पानी लतीफ मखलूक है ते जे देखो जो बाहर दे चुल्हे ते रख दो ते सेक दे नाल ओ भी छाले पा दंदा है, पानी भी छाले पाउण दे काबिल हो जांदा है। कोला काला हुंदा है पर जे आग च फना हो जावे ते फिर ओहदा रंग भी बदल जांदा, ओहदा काम भी बदल जांदा। इसी तरह अल्लाह दा बंदा इस वक्त अपने आप नूं खुदा दी रज़ा विच फना कर छड़दा है, फिर उन्हें अपना कुछ रह नहीं जाता, फिर सब कुछ खुदा की तरफ आता है, फिर अल्लाह की तरफ पकड़ता है। अल्लाह की तरफ जैसा कि हदीस पाक में मेरे बाबू करीम ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा फराइज तो बाद नवाफल के जरिए खुदा का गुरब हासिल करता है, रब कायनात फरमाता है मैं तेरी अखा बन गया, मैं तेरी जबान बन गया, मैं तेरे हथ बन गया। यानी हथ तेरे ने, फैज मेरा है, देखना तेरा है, फैज मेरा है, जुबान तेरा है, फैज मेरा है। यानी खालिक़े कायनात का पूरा मसीह हो जाता है। फिर मैं क्यों ना कहूँ अल्लाह वाले की गुलामी नसीब हो जाए। फिर इसे तरह जिमें कोला अग बन जाता है, जिमें पानी छाले पा दिता है, तो खालिक़े कायनात का बंदा अल्लाह ऊपर अल्लाह ऊपर एक और छोटी मिसाल दे के मैं खत्म कर देना। यार लफ्ज़ अल्लाह है ना, लफ्ज़ अल्लाह उस चार हर्फ ने, एक अलफ है, दो लामा ने, एक ही है, चार हर्फ ने। जी अलग अलग होना, जी अलग अलग होना कोई एहतराम नहीं, अलग अलग हर्फ हो कोई एहतराम नहीं। मगर जिस वक्त लफ्ज़ अल्लाह के आ जाएंगे, लफ्ज़ अल्लाह की शक्ल बन जाएगी, तो फिर उनकी बेअदबी कुफर होगी। हर्फ हो ही नहीं, अलफ नू होर किते पासे इस्तेमाल करो कोई एहतराम नहीं, लामा नू होर जगह इस्तेमाल करो कोई एहतराम नहीं, हेन होर मुकाम से इस्तेमाल करो कोई एहतराम नहीं। मगर जब दो लफ्ज़ अल्लाह के आ जाएंगे तो फिर उस अल्लाह के लफ्ज़ की बेअदबी करना कुफर होगी। जड़ा इंसान रब का बन जाता है, रब की रजा से अपने आप को फना कर छोड़ता है, फिर तेन सोचना चाहिए है कि मैं जो मुखालफत ना कर बैठा, क्योंकि मन आद अली वलीजन फकत अजम तो मिल हर। मेरे सोने महबूब करीम ने फरमा मेरा नाम फरमाता जरा मेरे दोस्त की मुखालफत करता है वह मेरे नाल जंगा जंग कर रहा है, वह मेरे नाल जंग करता है। जो रब ने जंग करने वाला हो फना होना कि नहीं होना, तबाह होना कि नहीं होना। अल्लाह खालिक कायनात दे प्यारियां दी निस्बत बहुत बड़ा मुकाम करती है। जेड़ा अल्लाह दे वलियां रब करता है संगी, जेड़ा अल्लाह दे वलियां रब करता है संगी, उस कचते भी होता है हीरे दरंगी। जेड़ा अल्लाह दे वलियां रब करता है संगी, उस कचते भी होता है हीरे दरंगी, उस हीरे दा पैंदा नहीं कौड़ी भी मुल, उस हीरे का पैदा नहीं कौड़ी भी मुल, जेड़ा टुट के डिग पे किसे हार जो, उस हीरे का पैदा नहीं कौड़ी भी मुल, पर जेड़ा टुट के डिग पे किसे हार जो। ओए हाल च परोया है हीरा जेड़ा वही कीमती होता है, और किसी ने दा वाबस्ता होगा, किसी की गुलामी में आ जाएगा, और यार के रंग में आ जाएगा, तेरी कदर पै जाएगी, तेरा बल पै जाएगा। कायनात सदका सोने महबूब का अपने प्यारे की गुलामी में रखे, खालिक कायनात उन्होंने पाक सीरत को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपनी जिक्र फिक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।